कैंसर के बारे में, काफ़ी लोग कैंसर के बारे में सुन रहे हैं जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैंने भी जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने सुना उनका पूरा लेक्चर, देखा मैंने कि जो क्लिप वायरल की जा रही है, जो क्लिप वायरल हो रही है, मैंने देखा उसे। और आप खान सर को उनके रिलीजन से जोड़ के देखोगे, मेरे ख्याल से कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, ठीक है, उसका कोई भी धर्म हो कोई मैटर नहीं करता, वो उसके लिए शिष्य है, वो उसके लिए स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो। पता नहीं मुझे किस बात पे लोगों को रोष है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन खान सर के लिए मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि उनके लिए जो इंडिया है, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर, मैंने देखा उन्होंने जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात हो रही थी। खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया कि पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है, हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है, हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। और ये हमें समझने की जरूरत है कि टीचर क्या चाहता है, ये उसको धर्म से ना जोड़ के देखा जाए कि वो हर एक बंदे की प्रगति चाहता है, हर एक बच्चे की प्रगति चाहता है, कोई भी धर्म का हो। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही वो चाहता है। और मेरे ख्याल से वही उनका मकसद था उस दिन भी।